गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो अब दिव्यांशी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, दिव्यांशी भी कंफर्टेबल हो जाती है, विक्रांत और चेकअप को भी बीच में रिलेशन अच्छा चल रहा रहता है और सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा रहता है। इस ड्यूरेशन में जो एल्थिया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है दिव्यांशी की, कि उसकी स्किल्स और उसकी पावर और उसकी पोजिशंस को समझाने के लिए, और वो उसे अब काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर चुकी रहती है। अब इस तरीके से सब के सब ट्रेन हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। अब उसके आगे काफ़ी अच्छे से ट्रेन होने के बाद अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात चल रही रहती है, तो जिसमें जहाँ लूना रहती है कहती है कि देखो हमें हमारी स्किल्स और पावर अब सब कुछ अच्छे से पता चल चुका है। अब यहाँ सवाल होता है कि हमारे स्किल्स और पावर सब कुछ होने के बाद भी हम ये जंग को जीतेंगे कैसे, क्योंकि इस जंग को जीतने के लिए हमें सिर्फ पावर और पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जिसमें जो हमारी एल्थिया रहती है वो कहती है, मम्मा हम सोच रहे थे कि हम उन्हें कुछ इधर एक साथ दोनों को बुलाया जाए, और दोनों को एक साथ बुलाएंगे तो उस बीच में हम दोनों को एक साथ ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक को ख़त्म करने जाएंगे, मीन्स पहले हम वैम्पायर से लड़ेंगे, वैम्पायर को ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम लाइकन से लड़के लाइकन को ख़त्म करेंगे, तो इस तरीके से हमारी पावर्स के बारे में उन लोगों को भी एक साथ पता चल जाएगा, और जो भी एक पार्टी होगी, मे बी अगर वैम्पायर्स को हम अटैक करते हैं तो लाइकन्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर हम लाइकन्स को अटैक करते हैं तो वैम्पायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और दोनों कोई ना कोई स्ट्रांग पहले से बन जाएगा, और वो अपनी पावर पोजीशन से डबल तरीके से हम पे अटैक बैक कर सकता है। तो आपको क्या लगता है? तो ये सब सुनने के बाद जो लूना रहती है वो कहती है कि हाँ ये बात तुम सही कह रही हो कि हमें अब लड़ाई झगड़े करने हैं या अटैक करना है तो एक साथ ही करना पड़ेगा, दोनों को आमने सामने रख के, पर ये पॉसिबल कैसे होगा? तभी दिव्यांशी बोलते क्यों नहीं पॉसिबल होगा, जिस चीज़ के लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं उस चीज़ को सामने रख दो। तो वह कहते हैं मतलब, तो कहते हैं अल्फ़ा न्यूरॉन ही तो इन लोगों की पहली चाहत है, अल्फ़ा न्यूरॉन के लिए तो ये आपस में लड़ रहे हैं, आप वो रख दो ना सामने के सामने। अल्फ़ा न्यूरॉन जैसे ये सामने के सामने रखा रहेगा उन लोगों को लालच आएगी, और लालच आने के लिए होगा। तब यहाँ से स्मृति कहती है अल्फ़ा न्यूरॉन तो ऑलरेडी हमारे पास है और हम उन्हें गलत हाथों में देना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम उसको रख दें और उनको आफत में डाल दें? बाय चांस अगर गलती से भी इस लड़ाई और झगड़े में अल्फ़ा न्यूरॉन उनके हाथ लग गया तो? तो वो कहती है आप उसकी चिंता मत करिए, अल्फ़ा न्यूरॉन उनके हाथ में नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। स्मृति कहती है दिव्यांशी मजाक नहीं है, अल्फ़ा न्यूरॉन उनके हाथ में गलती से भी नहीं लगना चाहिए, ये लोग कोई वो चूहे नहीं है जहाँ पे तुम चूहे दानी में डाल के इनको फंसा लो, इनको चारा डालने से भी ये लोग फंसेंगे नहीं, ये लोग बहुत बड़ी बात है। तभी वहाँ से लूना कहती है अगर शेर को बुलाना पड़ता है तो बकरी को हलाल होना ही पड़ता है, उसी तरीके से ये बात सही है, अल्फ़ा न्यूरॉन के लिए सब के सब एक साथ आएंगे, बट हम लेकर कैसे आएंगे इन लोगों को, और लेकर आने के बाद हम कैसे करेंगे? तो तभी दिव्यांशी बोलती है ये आपको सोचना पड़ेगा, बट अल्फ़ा न्यूरॉन को उनके हवाले ना जाए इसलिए मैं अल्फ़ा न्यूरॉन को देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे ही आई रेटिना और मेरे ही हाथ की प्रिंट और मेरे ही वॉइस से वो खुल सकता है, क्योंकि अगर वो पैक टू बैक रहेगा तो वो लोग कुछ भी उस चीज़ को यूज़ मतलब उनके लिए वर्दी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको ओपनली खोल के रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा, तो आप बताओ। तो ये सुनने के बाद स्मृति कहती है तो इसका मतलब तुम्हें वो चाहिए बैक, तुम्हें अल्फ़ा न्यूरॉन चाहिए? तो वो कहती है एक्जैक्टली मुझे अल्फ़ा न्यूरॉन चाहिए ताकि मैं उसे ओपन कर सकूं, और ओपन करके ये रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी पावर और उसकी पोजीशन ही करेगी। देखो हम किसी को बुलावा तो देंगे नहीं, लेकिन अल्फ़ा न्यूरॉन की शक्ति अगर हम एक खाली मैदान के वहाँ पर उसको ओपन करके रख दें तो उसकी लाइटिंग और उसकी पावर्स इतनी स्ट्रांग है कि हर वैम्पायर और लाइकन्स जो उसके लिए अट्रैक्ट हैं वो आएंगे किसी भी हालत में। तो लूना कहती है ये बात बिल्कुल भी दिव्यांशी ने सही करी है, बट उसे अकेले खोलना वो भी तो रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पर एल्थिया कहती है मम्मा रिक्स तो हर चीज़ में है,
हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें हम जिंदा वापस आएंगे कि नहीं, ये भी तो बहुत बड़ी लड़ाई है। रिस्क फैक्टर तो हम सभी में ले रहे हैं, तो इसके लिए भी सही। तो तभी स्मृति कहती है, रिस्क फैक्टर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं एल्थिया, बट वो गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी उसकी पावर के बारे में तुम्हें नहीं पता है, मेरे डैड हमेशा से मुझे उस पावर्स के बारे में बताते थे कि वो कैसे पूरी पृथ्वी को तबाह भी कर सकता है और पृथ्वी को आबाद भी कर सकता है। तो जहाँ पृथ्वी को आबाद होना है, वहाँ हम बर्बाद होने कैसे दे सकते हैं? मैं जानती हूँ अस्मिति आप क्या सोच रही हैं, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा, एल्थिया बोलती है। तो कहती है ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे। अल्फा न्यूरोन मॉम के पास है, तो तभी वो कहती है कि ठीक है। तो स्मृति की भी मॉम रहती हैं जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी रहती हैं, लेकिन एक लाइकन रहती हैं, तो सब उनके पास जाते हैं। फिर वो उनके पास जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी मॉम ने एक सेफ्टी बॉक्स के अंदर वो बहुत अच्छे से संभाल के रखा था, और साथ ही साथ वो गैजेट भी जिसको पकड़ सकते हैं। स्मृति बोलती है कि ये लो एल्थिया, मैं तुम्हें दे रही हूँ, और आई होप कि तुम इस बार कोई गलती ना करो। तो कहती है भरोसा रखो मुझ पे, मैं कुछ गलती नहीं करूँगी। ये बोलकर वहाँ से वो अल्फा न्यूरॉन उठा लेती हैं, और यहाँ पर एल्थिया जो वो गैजेट होता है वो दिव्यांशी के हाथ में देखती है और बोलती है पहनो और इसको उठाना पड़ेगा आपको ही। तो वो कहती है ठीक है। तो वो गैजेट भी वो लोग हाथ में एक हाथ में पहन लेती है, वो लेफ्ट हैंड में वो गैजेट पहनती है, नहीं वो राइट हैंड का ही गैजेट रहता है। तो वो राइट हैंड को बोलती है कि अभी मैं गैजेट बाद में पहनूंगी, पहले मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि इसकी जैसे ये ओपन होगा इसकी रोशनी बहुत तेज़ी से निकलेगी, तो हमें इसे खाली मैदान में जाके रखना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी एल्थिया और जो दिव्यांशी रहती है वो ये काम के लिए निकल जाते हैं, पर दिव्यांशी जाते जाते अभिनव को कॉल करती है, और वो अभिनव को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही रहती है, और अभिनव भी वो सारी बातें सुनता है और बोलता है एक बात याद रखो, तुम जो ये काम कर रही हो वो ठीक है करो, लेकिन इसमें अल्फा न्यूरॉन का ध्यान रखना है, तुम्हें वो चीज़ मेरे पूर्वजों ने मुझे दी थी वो गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कहते तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं तुम्हें जितना बोल रही हूँ तुम उतना काम क्यों नहीं करते हो अभिनव, क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो? दिव्यांशी कहती है। एल्थिया काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े हुए वो गैजेट को लेके खड़ी रहती है, तभी वो थोड़ी देर बाद में वहाँ से चलाती है, दिव्यांशी तुम क्या सोच रही हो? दिव्यांशी बोलती है कुछ नहीं एल्थिया, एक काम करो ना, तुम इसका भी पावर और रोशनी बहुत तेज निकलेगी, तो इसकी एनर्जी बहुत तेज होगी, तो तुम थोड़ा सा यहाँ से दूर खड़ी हो जाओ। तो वो कहती है कि ओके ठीक है, मैं दूर खड़ी हो जाती हूँ। जैसी जो यहाँ पर एल्थिया रहती है वो काफ़ी दूर खड़ी हो जाती है, और वो एक खाली मैदान पे करना रहता है, तभी वो एल्थिया बोलती है करो ना। तो कहती है हाँ हाँ मैं कर रही हूँ। एक्चुअली दिव्यांशी वहाँ पर वेट अभिनव का कर रही रहती है, और थोड़ी देरी के बाद एकदम से जोरों से एनर्जी निकलती है, वो जैसे वो गैजेट को ओपन करती है अपनी आई रेटिना हाथ के रेटिना और एक बोलने से एकदम से तेज रोशनी निकलती है, उसकी पावर पूरी की पूरी ब्रह्मांड में ऐसी तेजी से जाती है ना, वैसी रोशनी जाती है, मतलब ऊपर जो अर्थ का सेटोस्फेयर जो लेयर्स रहती है उस पे उसकी रोशनी टकराती है, और एकदम जोरों से एकदम वाइडर तरीके से फैल जाती है, जिससे जितने भी दूर जो लाइकन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कि अल्फा न्यूरॉन इस जगह पर है, पूरे वेम्पायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और ये रात के समय पर ये सब काम हो रहा रहता है। इतनी तेज एनर्जी निकलती है उससे और जोरों से निकलती है, एल्थिया की भी आंखों में इतनी चमक हो रही रहती है कि दूर, बट वहां पर चुपचाप सिर्फ दिव्यांशी वहां पर खड़ी रहती है। थोड़ी देर के बाद दिव्यांशी वहां से भी गायब, वहां से दिव्यांशी भी हट जाती है, और अभिनव भी वहां पर थोड़ी देर के लिए आता है और अभिनव भी वहां से चला जाता है। सब कुछ वैसी रोशनी चल रही रहती है। अब रोशनी जो इतनी तेजी से निकली रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और अब वहाँ पर सिर्फ अल्फा न्यूरॉन दूर से दिख रहा रहता है, वो छोटा सा पत्थर टाइप का रहता है लेकिन इतना चमकीला रहता है कि उसे कोई भी देख के दूर से पहचान जाए कि अल्फा न्यूरॉन वहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ से जितने भी जो अभिनव होता है ये सब चले जाते हैं, यहाँ पर जो लूना रहती है और जितने भी जो लूना रहती है जितने भी लाइकन्स रहते हैं वो सब इधर आके खड़े हो जाते हैं, सब के सब हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ ह्यूमन बीइंग्स भी आके खड़े होते हैं, क्योंकि अल्फा न्यूरॉन के लिए ह्यूमंस भी तैयार थे, मतलब ऐसे कुछ साइंटिस्ट जिनको वो खुद अल्फा न्यूरॉन चाहिए था, जैसी उसकी पावर पूरी तरीके से पहुँचती है तो ह्यूमन भी आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं, और वो लोग भी वहाँ से चिल्लाते हैं कि वाह ये तो यहाँ है जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था।
तो यहाँ पर अल्थिया कहती है ये लोग कौन है। तो अभी दिव्यांशी कहते हैं शिट, ये वो सारे साइंटिस्ट हैं जिनको अल्फा न्यूरॉन की पहले से चाहिए थी। हम यहाँ पे लाइकन्स ऑफ एम्पायर्स को बुला रहे हैं, बट हमें यहाँ पे लड़ाई सिर्फ लाइकन्स ऑफ एम्पायर से नहीं, अब इन जैसे बेवकूफ़ों साइंटिस्ट से भी लड़नी पड़ेगी जो इस चीज़ के लिए पागलों की तरह लड़ रहे हैं। तो कहते हैं हम तो वैसे ही हम लोगों की टीम में तो वैसे ही 10 लोग हैं, और 10 लोग इतने सारे लोगों से लड़ेंगे कैसे, ये साइंटिस्ट तो खुद ही 10-12 हैं। तो वो कहती है तो तुम्हें किसने बोला इन लोगों से लड़ने के लिए, आपस में अब इनकी लड़ाई होगी और हमें सिर्फ फ़ायदा उठाना है सिचुएशन का। तो लूना कहती है कि हाँ दिव्यांशी सही कह रही है, हमें चुपचाप यहाँ बैठ के साइड में देखना है, और जब माहौल गर्म होने लगेगा, जब ये इन दोनों की पूरी फाइटिंग में जो लास्ट में बचेगा हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं वो भी आ जाते हैं, कुछ 10-12 साइंटिस्ट आ जाते हैं, मतलब साइंटिस्ट उसमें से एक या दो रहते हैं लेकिन 10-12 ह्यूमंस बींग्स आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अल्फा न्यूरॉन चाहिए रहता है। उतनी देर में वेम्पायर्स जो करीब 10 नहीं 5 6 होते होंगे वो आ जाते हैं, और यहाँ पे साइड में पूरे लाइकन्स आ जाते हैं, किल बिल्स के लाइकन्स आ जाते हैं, दशवंत वेम्पायर्स आ जाते हैं, और दशवंत वेम्पायर्स का लीडर रहता है हेक्टर, नहीं हेक्टर के हेक्टर मतलब अभी छोटा लीडर रहता है, लेकिन हेक्टर के ऊपर जो विक्टर करके उनका पहला लीडर रहता है, जिसने एक्चुअली में जो हमारी क्या बोलते एल्थिया की मॉम डैड को मारा था, मतलब एश और लूसी को मारा था विक्टर ने। तो विक्टर भी रहता है और यहाँ पे हेक्टर उसका बेटा, मतलब उसी की कास्ट, मतलब उसका छोटा जो पर्सन रहता है जिसको ये पूरी पावर और पोजीशन दी जाती है। तो हेक्टर्स वहाँ पे लीड कर रहा रहता है, तो हेक्टर आ जाता है और विक्टर एक दूसरी से ऊपर की चोटी पे वहाँ बैठा रहता है। तभी वहाँ पर लूना कहती है एल्थिया, तो वो एल्थिया बोलती है कि हाँ मम्मा बोलो ना। तो कहती है वो ऊपर देख पा रही हो तुम, तो दिव्यांशी की नज़र इतनी तेज नहीं रहती कि वो इतने दूर तक देख सके, सिर्फ वेम्पायर्स और लाइकन्स की नज़र इतनी तेज होती है। तो वो उस समय दूरबीन लेती है और दूरबीन से देखती है, तो कहती है ये इतने दूर चोटी पे जाके बैठा हुआ कौन है। तो तभी दिव्यांशी की बात को सुनकर वहाँ पर वो कहती है कि ये एक्चुअल में विक्टर है जिसने तुम्हारे मॉम एंड डैड को मारा था, और वो किल बिल का जो दिख रहा है तुम्हें वहाँ पर दूसरी चोटी पे, वो जो इतना बड़ा लाइकन खड़ा है गुर्राते हुए। तो कहती कि हाँ इसने तुम्हारी मॉम एंड डैड को मारा था, मीन्स ये खुद हमारी कास्ट का किल बिल का हेड है, इसका नाम क्या है। तो कहती है क्या करोगी तुम नाम जानकर, जहन्नम जैसा है ये इंसान, इसने तुम्हारी पूरे के पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब लूसी की पूरी फैमिली को, तुम्हारे मामा तुम्हारे नाना नानी सबको खत्म किया था। अब ये सुनने के बाद एल्थिया की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा और मतलब एक रिवेंज लेने की भावनाएं जनरेट होने लग जाती है। तभी दिव्यांशी बोलती है कूल डाउन, किसी भी लड़ाई को जोश में नहीं जीता जाता है, थोड़ा शांति से लो, ये दोनों वहां पर हैं और हमें उस चोटी तक पहुंचने के पहले इन लोगों के जो नीचे नीचे वाले सदस्य हैं इनको मारना पड़ेगा, और हम अपनी एनर्जी इनको मारने पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सब बैठ के सिर्फ तमाशा देखते रहो। तो सबके सब बैठ जाते हैं, स्मृति वहां पर बैठती है, और स्मृति जब बैठी रहती है तो वहां पर सामने के सामने सारे लोग, मतलब जो वरुण रहता है, अरुण रहता है, और जितने भी सोनम रहती है, ये सारे जो वेम्पायर्स होते हैं ये आ जाते हैं उसको पाने के लिए। तो ये जो वेम्पायर्स रहते हैं ये लड़ रहे रहते हैं ह्यूमन से, क्योंकि ह्यूमंस वाले भी होते हैं, और इन लोगों की ना एक, ये जो साइंटिस्ट ह्यूमन रहते हैं इनके पास एक अलग से गन रहती है, जिस गन से अगर वेम्पायर्स को मारा जाए तो वेम्पायर्स बहुत गंदे तरीके से घायल होंगे और उनकी बॉडी पे पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से लड़ाई झगड़े चल रहे रहते हैं। फिर वहाँ से जो लाइकन्स होते हैं वो अटैक कर रहे रहते हैं, लाइकन्स डायरेक्ट अटैक करते हैं अल्फा न्यूरॉन को पाने के लिए, तो जो वेम्पायर्स होते हैं वो लाइकन्स को रोक रहे रहते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी लाइकन्स को मारने के लिए एक जाल बिछा रहे रहते हैं, वो उसको मारने के लिए बहुत कुछ ऐसे चीज़ें चल रही रहती, घमासान युद्ध होता है। उसी बीच में जब लूना रहती है वो कुछ इंस्ट्रक्शन देती
और या फिर क्योंकि मेन लीड तो वही कर रही थी, कुछ इंस्ट्रक्शन देती है तो वो साइड में देखती है कि एल्थिया गायब है। एल्थिया इतने स्पीड में तेजी से भागती है, और तभी लूना कहती है ओ माय गॉड एल्थिया चली गई है। तभी दिव्यांशी कहती है कभी ये लड़की सुनती है किसी की, तो कहती कि अब क्या करे, तो कहती कि मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर जो एल्थिया रहती है उसकी स्पीड तो काफ़ी तेज़ होती है, पर दिव्यांशी की स्पीड इतनी तेज नहीं रहती, वो नॉर्मल ह्यूमन रहती है तो वो उतनी स्पीड में नहीं भाग सकती है, तो वो धीरे धीरे जा रही रहती है। तभी स्मृति कहती है कि इतने धीरे जाओगी ना जन्मों लग जाएंगे, बैठो मेरे पीछे। और स्मृति अपने लाइकन का रूप लेती है और इतने घोड़ाते हुए एक तेजी से जाती है और सब पे अटैक करती रहती है, और वो पीछा कर रही रहती है एल्थिया का, क्योंकि एल्थिया बहुत स्पीड में भागी रहती है। एल्थिया के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि वो विक्टर को मारे, क्योंकि उसकी मॉम को मार रहता है, लेकिन विक्टर तक पहुँचना इतना ईजी था क्या? उसी बीच में उसे बहुत सारे जो वेम्पायर्स रहते हैं उन्होंने घेर लिया रहता है एल्थिया को, तो एल्थिया अपनी सारी पावर से उन लोगों को लड़ रही रहती है। लेकिन जैसे जैसे लड़ रही रहती है तो उसी ड्यूरेशंस में लाइकन्स भी अटैक कर चुके रहते हैं, तो दिव्यांशी दूर से देखती है और बोलती है कि स्मृति आप यहीं पर रुको मुझे जाना पड़ेगा। तो कहती है तुम वहाँ जाओगी कैसे, तो कहती है वो ऊंचे की चोटी पे वहाँ पर जाके मुझे खड़ा करो। तो वो वहाँ पर लेकर जाती है और वहाँ पे ऊंची की चोटी पे खड़ा करती है, और यहाँ से जो दिव्यांशी रहती है एकदम से अपनी जो पावर्स उसके पास जो रहती है वो पावर्स चलाती है। तो उस जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि पीछे से कोई अटैक कर रहा है पावर्स का, तो जो जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वहाँ आगे जाके देखने लगते हैं, भागते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो जल्दी जल्दी अपनी पावर्स अटैक कर रही रहती है। लेकिन फिर भी वो कमज़ोर पड़ चुकी रहती है, क्योंकि अगर 10 वैम्पायर्स एकदम से उस पर अटैक करेंगे तो कैसे होगा, 10 वैम्पायर्स और 10 लाइकन्स अटैक करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो एल्थिया रहती है वो स्पीड में भागते हुए दिव्यांशी को प्रोटेक्ट करते हुए आधे लाइकन्स को मार रही रहती है, आधे वैम्पायर्स को मार रही रहती है, लेकिन उसमें से जो इनका मेन लीड, जो मेन लीड वाला किलबिल्स, किलबिल्स का जो मेन लीड ऑफ लाइकन्स रहता है जिसका नाम रहता है माइकल रहता है, और वो जो माइकल रहता है वो एकदम से घुर्राते हुए देख लेता है, तो वो एल्थिया के पीछे इतनी तेजी से भागता है और उसे इतनी पूरे तरीके से गिराता है कि एल्थिया बहुत गंदे तरीके से गिर जाती है। वहाँ पर जब लूना ये देखती है तो लूना भी अपने पूरी टीम के साथ एकदम से जंग में लड़ने के लिए तैयार हो जाते। अब यहाँ से लड़ाई बहुत जोरों शोरों से हो रही थी, एक तरफ से यहाँ पे पूरे लाइकन्स अटैक कर रहे थे, वेम्पायर्स अटैक कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो जहाँ पर ये हमारी दिव्यांशी खड़ी रहती है वो देखती है कि अल्थिया पे इतना बड़ा लाइकन्स ने अटैक कर दिया, और ये वही लाइकन्स है जिसने उसके मॉम एंड डैड को मारा था। तो वहाँ पर जो हेक्टर रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, वो एकदम से आता है दिव्यांशी को इतने जम के मारने लगता है कि दिव्यांशी भी यहाँ घायल हो जाती है। लूना तेजी से भागती है और लूना जेकब को बोलती है कि तुम जाके वहाँ पर अटैक करो। अब स्मृति भी रहती है, वो भी अटैक करती है हेक्टर के ऊपर की ताकि दिव्यांशी को प्रोटेक्ट करे, और जो लूना और उसके जो बाकी मेम्बर्स रहते हैं वो जाके अटैक करते हैं माइकल के ऊपर की ताकि उससे प्रोटेक्ट कर सकें, और काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हो रही रहती है और ये लोग काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे रहते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी जो स्मृति रहती है वो एकदम से अटैक करती है हेक्टर के ऊपर, और हेक्टर पर अटैक करती है, और यहाँ पर जो सोनम होती है वो भी आकर स्मृति को रोक रही रहती है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ रहे रहते हैं। पर जो स्मृति होती है वो सोनम को थोड़ा सा धक्का देती है और हेक्टर के ऊपर अटैक करती है, जो हेक्टर होता है वो बहुत तेज़ी से आने लगता है। तभी वहाँ से एल्थिया चिल्लाती है दिव्यांशी अपनी पावर को एकात्र मतलब फोकस करके करो, एकात्र करो अपनी सारी पावर्स को। और यहाँ पर दिव्यांशी थोड़ी देर तक तो मतलब उसने कभी लड़ाई झगड़े देखे नहीं रहते हैं, और ना उसने वैम्पायर्स लाइकन्स इतनी फाइटिंग और इतनी गंदी वाली फाइटिंग देखी रहती है, तो शी वॉज अफ्रेड, तो वो डर जाती है, तो उसका डर की वजह से उसकी जो पावर्स होती है वो काम नहीं कर रही रहती है। लेकिन फिर वो धीरे से ध्यान से देखती है और थोड़ा सा देखती है कि यहाँ पर अगर उसने पावर्स नहीं दिखाए तो स्मृति मर जाएगी। जैसे वो अपनी पावर्स फर्स्ट टाइम दिखाती है तो हेक्टर को
वहां पर वो जला देती है, क्योंकि एक वैम्पायर्स के ऊपर अगर एक वैम्पायर्स की बॉडी ऑलरेडी ठंडी रहती है, और अगर उनकी उनको मारना हो तो गर्म तरीके से आप मार सकते हो, क्योंकि वो गर्मी सहन नहीं कर सकते, उनकी बॉडी ठंडी रहती है। तो यहाँ पर वो अपना माइंड सेट करती है और एकदम से करती है, तो हेक्टर को वो जला देती है। जैसी जलाती है तो सोनम डर जाती है, सोनम पीछे होती है और यहाँ पर एकदम से गुस्से में रहती है। अब दिव्यांशी, तो दिव्यांशी का डायरेक्ट एरिया सोनम होती है, तो लेकिन सोनम को जैसे ही मारने वाली रहती है तो स्मृति की बीच में आ जाती है, और स्मृति बीच में आ जाती है तो यहाँ पर जो यहाँ पे गुस्सा होता है दिव्यांशी का वो हट जाता है, और वो बाकी जो वैम्पायर्स होते हैं वो उनको जलाने में लगती है। पर यहाँ पर जो माइकल लाइकन रहता है वो तो बहुत तेजी से अटैक कर रहा रहता है, वो एल्थिया को भी घायल कर चुका रहता है, लूना को भी घायल कर रहा रहता है, लूना को भी मार रहता है, और लूना जो अपने दो साथियों के साथ आई थी उन सबको भी घायल कर रहा रहता है, बहुत ज्यादा इन लोगों को घायल कर रहा रहता है। तो यहाँ पे जो स्मृति होती है वो आगे जा ही रही रहती है उसको अटैक करने के लिए, तभी हेक्टर को मरता हुआ देखकर जो विक्टर होता है वो वहां से भागते हुए आता है, और इतनी स्पीड में भागते हुए आता है कि डायरेक्ट दिव्यांशी को उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर जो एल्थिया होती है वो अपने से ज्यादा दिव्यांशी की फिक्र कर रही थी, क्योंकि दिव्यांशी को बहुत गंदी चोट लगती है, क्योंकि एक पहाड़ से उठाकर अगर कोई नीचे फेंक दे तो इंसान घायल हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है तो उसे चोट लग जाती है। यहाँ पर लूना से वो फाइट कर रही रहती है, लूना को बचाने के लिए एल्थिया फाइट कर रही रहती है, लेकिन वहां पे माइकल इतना स्ट्रांग रहता है, तभी तभी वहां से वो बोलती है कि अपनी पावर्स को स्ट्रांग करो और लड़ो, लूना मतलब अपने जो लाइकन्स की भाषा में बोलती है। तब यहाँ पर एल्थिया अपने पूरे जो एकदम पावर्स को एकत्र करती है, थोड़ी देर बैठ जाती है और अपने जो हाईली नेल्स होते हैं पावरफुल वो नेल्स निकालती है, और जो लाइकन को मारती है क्या बोलते हैं माइकल को जम के मारती है, इतनी जोर से मारती है कि उसका जो मतलब जो नेक का पार्ट होता है लाइकन का, जो वो पूरे उसमें पूरे अपने नाखूनों को गड़ा देती है, और ऐसे जम के एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार मारती है, और उसकी गर्दन उखाड़ने की पूरी कोशिश कर रही रहती है। लेकिन तभी वहां पर वो अपने पंजों से इतनी जम के मारता है कि वहां पर एल्थिया गिर जाती है। दूसरी तरफ जो एल्थिया अपनी पावर से होती है तो यहाँ पर जो माइकल रहता है वो घायल हो चुका रहता है, तो वहाँ गिरता है, तो लूना उस पर अटैक करती है मारने के लिए, पर वो इतना घायल होते हुए भी उसकी इतनी पावर रहती है कि कोई से मार नहीं रहता है। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है, साइंटिस्ट एकदम से आता है और वो उस पर कुछ गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से तिलमिला जाता है और बेहोश हो जाता है माइकल। और वो लोग क्या करते हैं उस पर एक जाल बिछाते हैं और उस लाइकन को खींचने के लिए लेकर जा रहे रहते हैं। लूना वहां से भागती है अपने आप को बचाकर, क्योंकि लूना थोड़ा पीछे होती है और अपने जितने भी साथी होते हैं उन्हें पीछा करती है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट रहते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर जाएंगे, तो इसलिए वो सबको साइड कर रही रहती है। यहाँ पर जो दिव्यांशी पे अटैक करने के लिए भागते हुए आते हैं ये क्या बोलते विक्टर, बहुत गंदे तरीके से आता है मारने के लिए अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो एल्थिया होती है वो पहले दिव्यांशी को अपनी बाहों में लेती है और कहती है दिव्यांशी दिव्यांशी तुम्हारे अंदर सेल्फ सेल्फ पावर बहुत है, तुम कुछ भी चाहो बन सकती हो, प्लीज 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 बेहोश मत होना, हो जाओ प्लीज, आई लव यू, कुछ मत होना चाहिए तुम्हें, तुम्हें जिंदा रहना है, मेरे लिए जिंदा रहना है, प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो, तुम दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान हो, अपनी पावर्स को एक्ट कर करो। उतनी देर में विक्टर आता है और उसको इतनी चौंक के मारता है कि वहां बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जो बाकी वैम्पायर्स होते हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे रहते हैं, तो स्मृति और जो सोनम रहते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे रहते हैं। तभी वहां से एक साइंटिस्ट आता है और वो सोनम को पीछे से मारता है, सोनम को एक जाल में फंसा के लेकर ही जाने वाला रहता है। तभी वहां से जो स्मृति होती है वो उसके हाथ को काट देती है और उसको उतनी जम के मारती है। तभी सोनम देखती रहती है कि इसने मुझे बचाया और वो भी दो बार, क्यों? तो
यहाँ पर वो ऐसे करती है, तभी वो उसको वहाँ से इशारों में बोलती है कि तुम जाओ। तो सोनम वहाँ पे एकदम घायल हो चुकी रहती है, क्योंकि उसके ऊपर जो गोली मारी रहती है उससे वो घायल करने के लिए, मतलब बेहोश करने के लिए होती है। तो सोनम को प्रोटेक्ट करते हुए स्मृति जाती है, तभी वो लोग जितने भी जो ह्यूमन वेम्पायर जो ह्यूमन्स रहते हैं वो लाइकन्स को मार के उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें मारने ही वाले रहते हैं। तभी वहाँ पर एल्थिया जो काफ़ी घायल होती है, पर वो भी आती है और वो पूरे के पूरे ह्यूमन्स को वहाँ पर घायल मतलब मार देती है, वो भी एटलीस्ट मार ही देती है। दिव्यांशी अभी भी बेहोश रहती है, और इस तरीके से ह्यूमंस तो थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि 3-4 ह्यूमंस की डेथ हो चुकी रहती है। तो वहां पर जब वो जिस माइकल को लेकर जा रहे रहते हैं, माइकल की इतनी पावर होती है, माइकल इतना स्ट्रांग तरीके से आता है, वो ह्यूमन को काट देता है और वो ह्यूमंस पूरे वहां से डर जाते हैं। तो ह्यूमंस के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वो वहां से दूर भागने लगते हैं। अब जो माइकल सामने आ जाता है, वहाँ पर विक्टर सामने आता है, और यहाँ पर जो वरुण रहता है वो वैम्पायर रहता है, लूना रहती है, जैकोब रहता है, और ये सब लोग यहाँ पे खड़े हुए रहते हैं। विक्रांत और एलसी जो रहते हैं वो वहाँ से दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे रहते हैं, कोशिश करते हैं, और दिव्यांशी भी काफ़ी घायल होती है। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या है, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।